नमस्कार साथियों, आज है आपकी हिंदी की क्लास 3। ठीक है, हिंदी में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, शब्द मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, शब्द को कितने प्रकार से हमने पढ़ना है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तत्सम तद्भव मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया, आज की बात हम कर रहे हैं शब्द के जो हमने दो भाग पढ़े थे, विकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द के अंतर्गत जो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा, जो हमारी हिंदी वाली सीरीज है एसआई के, जितने बच्चे जिनका फिजिकल हो गया उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहेगा। ठीक हो गया, चलिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक हो गया, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा व्यू आएंगे तो थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगी। ठीक है, आज हमने पढ़ना शुरू करना है यहाँ पर क्या, संज्ञा। संज्ञा तो संज्ञा होता क्या है, तो आप कोई सा भी नाम अगर बोलेंगे तो वह संज्ञा होता है। आपने पढ़ा होगा किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या आप सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, कोई भी नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। कोई भी नाम क्या कहलाएगा, आपका संज्ञा कहलाता है। ठीक हो गया, संज्ञा के अगर प्रकार की बात करें तो संज्ञा को आप दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक इसको आप पढ़ सकते हैं अर्थ के आधार पर और एक आप पढ़ सकते हैं रचना के आधार पर। जो आपको पूछा जाएगा आपने आंसर वही करना है। अर्थ के आधार पर भी आप संज्ञा के प्रकार पढ़ सकते हैं और रचना के आधार पर भी आप संज्ञा के प्रकारों को पढ़ सकते हैं। बात करें अगर अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। देखिए, अगर नॉर्मल प्रश्न आया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपने 5 प्रकार ही करना होता है। ठीक हो गया, परंतु अगर यदि पूछ ले कि रचना के आधार पर कितना है, तब आपने 3 करना है। ठीक, अगर अर्थ के आधार पर बात की जाए तो सबसे पहले आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, उसके बाद अगला जो प्रकार आता है वो आता है व्यक्तिवाचक। तीसरा प्रकार आता है आपके पास भाववाचक। ठीक हो गया, उसके बाद चौथा प्रकार आपके पास आता है, वो आता है आपके पास समूहवाचक। और अंतिम जो पांचवा प्रकार है वो आपके पास आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की आपके पास संज्ञाएं होती हैं, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। बात की जाए अगर रचना के आधार पर, रचना के आधार से भी आपको संज्ञाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की मिलती हैं। जो आपने रचना के आधार पर शब्द पढ़े थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, उसी प्रकार से रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन 3 प्रकार से हम संज्ञा को बांट देते हैं। ठीक हो गया, इसके आधार पर, रचना के आधार पर। चलिए बात कर, सबसे पहले हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। अब बात की जाए जातिवाचक संज्ञा की, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अगर आप किसी वस्तु का नाम बोलें, वस्तु का नाम, तो वह जातिवाचक के अंतर्गत आती है। जैसे पुस्तक, पुस्तक क्या है आपके पास, एक वस्तु है, तो पुस्तक किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। ठीक है, जैसे आपके पास कुर्सी में बोलूं, कुर्सी एक वस्तु का नाम है, तो कुर्सी आपका जातिवाचक में आती है। मेज भी आपको किस में आती है, जातिवाचक में, क्योंकि मेज तो कई प्रकार की होती है ना, कुर्सियां कई प्रकार की होती हैं, पुस्तक के कई सारे प्रकार होते हैं, कई सारे नाम की पुस्तकें होती हैं, क्योंकि जातिवाचक में आपको एक पूरी जाति का पता लगता है। ठीक हो गया, मैं बोलूं अगर पुष्प, पुष्प, पुष्प किस में आ जाएगा आपका, जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक हो गया, मैंने बोला एक शब्द नदी, नदी किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। मैंने बोला पहाड़, तो पहाड़ से आपको एग्जैक्ट एक पहाड़ के बारे में पता तो लग नहीं रहा, पहाड़ किस में आता है, जातिवाचक।
जातिवाचक में वो शब्द आते हैं जहां पर आपको एक पूरी जाति का पता जिन शब्दों से चलता है। ठीक हो गया। चलिए जातिवाचक में आपका और क्या आ जाता है? जातिवाचक में आपके पदों के नाम आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, डॉक्टर क्या है? एक जाति है ना। मैंने बोला आपके वहां वकील, वकील एक जाति का बोध कराता है। ठीक हो गया। मैंने बोला मंत्री, मंत्री तो अलग अलग कोई से भी हो सकते हैं, तो मंत्री एक जाति का बोध कराता है। इस प्रकार से ये सारे शब्द आपका किस में आ जाते हैं? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं, जहां पर आपको एक पूरी जाति का पता लगेगा वहां पर क्या आ जाएगा? जातिवाचक आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए जातिवाचक के बाद अगला जो हमने देखा था वो था आपका व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, हाँ, जातिवाचक में पॉइंट रह गया। जातिवाचक में आपका प्राकृतिक तत्वों के नाम आते हैं, जैसे बारिश। बारिश क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी एक जातिवाचक संज्ञा है। आंधी, आंधी भी आपका जातिवाचक में आएगा। तूफान आपका जातिवाचक में आएगा। ठीक हो गया। बात करें व्यक्तिवाचक की, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको क्या होता है? एग्जैक्ट एक व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। मैंने बोला राम, राम से एग्जैक्ट आपको किसी एक व्यक्ति के बारे में पता लगेगा। मैंने बोला गंगा, है ना, तो आप समझ गए गंगा नदी के बारे में डायरेक्ट आपको पता लग गया, गंगोत्री से गौमुख से निकलती है नदी। एग्जैक्ट एक के बारे में आपको, एक चीज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैंने बोल दिया आम, अगर मैं बोलता फल तो फल आपका कहां आता? जातिवाचक में। मैंने बोल दिया आम तो आम आपका कहां पर आ गया? व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक हो गया। व्यक्तिवाचक में आपको मैंने बोल दिया रामायण, आपको पता लग गया रामायण पुस्तक के बारे में। अगर मैं पुस्तक बोलता तो कहां चली जाती? जातिवाचक में चली जाती। ठीक हो गया। तो मतलब व्यक्तिवाचक में आपको एग्जैक्ट चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक। तीसरी हम बात करते हैं आपका भाववाचक की। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में आपको क्या होगा? भाव मिलेगा। जैसे मित्रता का भाव होता है, शत्रुता का भाव होता है, मित्रता का भाव, कहीं पर आपका शत्रुता का भाव, कहीं पर भलाई का भाव, कहीं पर अच्छाई का भाव आएगा। ठीक हो गया। इतना क्लियर है? भाववाचक जो संज्ञा आपका बनती है इसको आप लोग संज्ञा शब्दों से भी बना सकते हैं, अन्य संज्ञा शब्दों से। इसको आप लोग सर्वनाम शब्दों से भी बना सकते हैं, इसको आप क्रिया शब्दों से भी बना सकते हैं, इसको आप विशेषण शब्दों से भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे देखो संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, या मैं बोल सकता हूं व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगी। तो व्यक्ति का नाम था राम, व्यक्ति का नाम था शिव, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम से क्या बन गए? रामत्व। राम से बन गए रामत्व। तो रामत्व क्या हो गया? भाव हो गया, रामत्व का भाव। शिव से क्या हो गया? शिवत्व का भाव हो गया। ठीक। तो ये क्या बन रही है? भाववाचक संज्ञा बन रही है। रामत्व का भाव हो गया, पहले राम तो व्यक्तिवाचक था लेकिन रामत्व का भाव आ गया, तो वो क्या बन गई आपके पास? भाववाचक संज्ञा बन गई। सर्वनाम से कैसे बनेगा? तो आपको पता है अपना, अपना आप इसके बाद सर्वनाम पढ़ोगे तो अपना क्या होता है? सर्वनाम होता है, अपना से बन गया अपनत्व। तो अपनत्व क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा आपके पास हो गई। ठीक हो गया। ठीक। इसी प्रकार विशेषण से भी बन जाता है और आपका किससे? क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। इतना क्लियर है आप लोगों का? फटाफट नोट करते रहे इसको भाई, इतना आप लोग फटाफट नोट करें इसको, फटाफट नोट कर दें भाई।
हो गया। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर समूहवाचक की जहां पर आपको एक समूह का बोध होगा, जैसे सेना क्या आपका समूहवाचक संज्ञा, जैसे गुच्छा बोलते हैं आप लोग पुष्प गुच्छ भेंट किया, अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छा क्या होता है, जब अंगूर समूह में होते हैं तब वो गुच्छा बनता है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक हो गया। कक्षा कब बनती है आपकी, जब बहुत सारे विद्यार्थी उसमें बैठते हैं। ठीक हो गया। पुलिस भी किसमें होती है, समूह में होती है। भीड़ भी किसमें आता है आपका, समूह वाचक में आता है, जहां पर आपको एक समूह का बोध हो वहां पर क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं टुकड़ी, सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, तो टुकड़ी में कुछ लोग तो होंगे, तो वो भी किसमें आएगा आपका, समूह में आएगा। ठीक। अब आता है इसके बाद आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आता है आपका, जिन चीजों को आप क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं, मापने तोलने वाली चीजें द्रव्यवाचक में आपका आती हैं, जैसे सोना, जैसे पानी, तेल, लोहा, लकड़ी, ये सब आपका कहां पर आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से जो संज्ञा के पांच प्रकार है बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपका गतिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और जातिवाचक, पांच प्रकार की संज्ञा। बात करें रचना के आधार पर, तो आपने रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ मैंने आपको बताई, तो संज्ञा को आप लोग बांट सकते हैं शब्दों में, मैंने आपको पढ़ाया है। ये रूढ़ शब्द था आपका राम, तो राम एक प्रकार की संज्ञा भी तो है, तो राम आ जाएगा रूढ़ संज्ञा में। यौगिक शब्द जो दो से मिलकर बनते हैं, जैसे मैंने बोला विद्यालय क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो किसमें आ जाएगा आपका, यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक हो गया। योग रूढ़ की मैं बात करूं, अगर योग रूढ़ की, तो पंकज ले लो, कमल का पर्यायवाची है लेकिन शब्द भी है, तो यहां पर आ जाएगा योग रूढ़ में। इस प्रकार से आप लोग इनको रचना के आधार पर भी संज्ञा को पढ़ सकते। आप लोग एक मैं आपको बोल रहा हूं मोर, ये मैंने बोला आपको तोता, ये जो दोनों हैं किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ये आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे वीडियो के अंत में, कमेंट जरूर करें मोर और तोता किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक हो गया। वीडियो को ज्यादा शेयर करें। ठीक हो गया। ताकि जो और वीडियो आनी है वो आपके लिए जल्दी जल्दी आते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।